नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी के बुक से, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्नावली है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच भी कीजिए। ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि यक्स का स्क्वायर माइनस में यक्स माइनस में 8, और इसका हम लोग को शून्यांक ज्ञात करना है। दोस्तों, सबसे पहले शून्यांक क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो वह अंक हम लोग को, शून्यांक का मतलब वह अंक ज्ञात करना है जिस अंक को इस यक्स के जगह पे भर दिया जाए तो यह जो है इसका मान 0 आ जाए। ठीक है, तो इसका शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग जो है पहले इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। गुणनखंड मध पद बांट के गुणनखंड विधि, और कौन सा विधि है तो हम लोग इसमें अपनाने वाले हैं मध पद बांट के विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में मध पद बांट के, मध पद कैसे बांटेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को अगर यह सवाल दिया गया है कि यक्स का स्क्वायर माइनस में 2 यक्स माइनस में 8, और इसका हम लोग को मध्य पद अगर बांटना है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग को क्या करना है, यक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक हो, यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए कि 1 है, मान लीजिए। ठीक है, अगर यक्स स्क्वायर का गुणांक 5 रहता तो यहाँ पे हम लोग 5 मानते। ठीक है, मतलब 5 रहता तो 5 और 1 है, तो 1 का 8 में गुणा करेंगे, तो 1 गुणा हम लोग जो है क्या करेंगे, 8, मतलब ये इससे और ये अंतिम वाला जो पद है इससे पहले इस फॉर्मेट में रख लेंगे, मतलब ये हम लोग का मानक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। हम लोग का जो है द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है ए एक्स का स्क्वायर धन में बी एक्स धन में सी। ठीक है, तो हम लोग को जो है इसका यही नियम है कि ए का सी में गुणा होना चाहिए, मतलब इस फॉर्म में इस यक्स का स्क्वायर बी यक्स और धन सी में, मतलब ऐसे फार्म में रख के, मतलब मान लीजिए कि अगर 2 यक्स यहाँ रहता तो इस 2 यक्स को यहीं पे रखते। ठीक है ना, मतलब बी यक्स के जगह पे ही होना चाहिए। ठीक है, तो ए का जो है सी से हमेशा गुणा करेंगे, ए का सी से गुणा कर लेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है अंतिम पद और ये जो स्टैंडिंग वाला यक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका जो है गुणा कर लेंगे। उसके बाद से जो है 1 × 8 हो गया तो 8 हो जाएगा, और 8 को दो ऐसे जोड़े बनाएंगे, 8 का दो ऐसा जोड़ा बनाना है ताकि क्या करें, इन दोनों जोड़ों का जोड़ घटाना करके -2 आ जाए और गुणा करें तो 8 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा जो है क्या हम लोग कर सकते हैं, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, या 2 × 4 = 8 हो जाएगा, हो जाएगा। और हम लोग को जोड़ घटाना करके -2 आना चाहिए, तो माइनस वाला अधिक ले लेते हैं, प्लस वाला कम, तो आराम से जो है जोड़ने पर इसको, मतलब जोड़ घटाना करने का मतलब एगो प्लस एगो माइनस कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं या दोनों को प्लस कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो हम लोग को प्लस माइनस लेना पड़ेगा, और 4 में से 2 घट जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, और 4 दूना प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो आराम से माइनस में 8 भी आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये इस जोड़े का दो ऐसे भाग में बनाना है ताकि दोनों जोड़ों का गुणा करें तो इन दोनों का गुणनफल आ जाए, ए और सी के गुणनफल के बराबर आ जाए, और क्या करें, और इसको जोड़ घटाना करने पर मध्य वाला पद आ जाए, तो इसीलिए इसको मध्य पद के बांटने का नियम कहा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का बट गया, ये 2 को जोड़ा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। अब चूंकि दोस्तों यक्स स्क्वायर 1 × यक्स स्क्वायर को खाली यक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है, यह 1 जो है हम इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यक्स का स्क्वायर माइनस में, अब 2 यक्स को जो हम लोग लिख सकते हैं, -2 यक्स को क्या लिख सकते हैं, प्लस में 2 यक्स है, मैंने हाई एगो जोड़वा या यक्स ले सकते हैं, तो प्लस में 2 यक्स, माइनस में जो है 4 यक्स ले लेंगे, अब माइनस में हो जाएगा 8। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मध्य पद को तो बांट दिया गया, माने -2 को हम लोग लिख सकते हैं प्लस में 2 यक्स, माइनस में 4 यक्स लिख सकते हैं। ठीक है, मध्य पद को बांटने का यही आशय था। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अब जो है हम लोग को यहाँ से कामन लेना है। ठीक है, इन दो जोड़ों से कामन ले लेना है और इन दो जोड़ों से
कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए यक्स कॉमन निकल सकता है, तो हम लोग यक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है बच जाएगा यक्स और प्लस में जो है टू। ओके, अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे चार माइनस में चार कॉमन निकलेगा। तो देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ हम लोग कॉमन निकालते हैं उसी से इसमें भाग देते हैं। जैसे यक्स कॉमन निकाला गया तो यक्स स्क्वायर में यक्स से भाग देंगे, यक्स बचेगा, और यक्स से टू यक्स में भाग देंगे तो खाली टू बचेगा। उसी तरह से माइनस चार से माइनस चार यक्स में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, खाली यक्स बच जाएगा प्लस में, ठीक है। और माइनस चार से माइनस आठ में भाग देंगे तो यह प्लस में जो है क्या हो जाएगा, चार दूना आठ दो बच जाएगा। ओके, अब हम लोग जो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं यक्स माइनस फोर। इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स माइनस फोर, और इसको जो है हम लोग क्या, इसमें से दोनों में ब्रैकेट में समान अंक आना चाहिए, तो दोनों में समान अंक हम लोगों को दिख रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने जो भी गुणनखंड किया है सही किया है, तो यक्स प्लस दो हो गया। ओके, माने एक में ये और ये ले लेना है ब्रैकेट में, और एक में इसमें से जो है कोई एक ले लेना है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग को एक एक गुणनखंड इसका हो गया, अब चूंकि हम लोगों को हमें शून्यांक ज्ञात करना है, हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो अगर हम लोग को शून्यांक ज्ञात करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है यक्स माइनस फोर बराबर जीरो रख देंगे, ठीक है, या यक्स प्लस टू बराबर जीरो रख देंगे ताकि यक्स का मान निकल जाए। ओके, अब हम लोग जो है यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो यक्स माइनस फोर बराबर जीरो, तो यक्स बराबर मतलब जब भी शून्यांक ज्ञात करना है तो इसको हम लोग जो है इस गुणनखंडवा को बराबर जीरो कर सकते हैं, यानी कि यक्स माइनस फोर बराबर जीरो लिख सकते हैं, यक्स प्लस टू बराबर भी जीरो ले सकते हैं, तभी ना यक्स का मान निकलेगा जी। तो यक्स माइनस फोर बराबर जीरो, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, चार, ठीक है। यहाँ पे यक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस टू। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है दो मान ज्ञात हो गए, चूंकि द्विघात समीकरण है तो दो मान प्राप्त हो गए, एगो एक्स बराबर चार और एगो एक्स बराबर माइनस दो। इन दोनों को अगर इसमें रखा जाएगा तो यह जो है समीकरण बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ मान रख देते हैं हम लोग एक्स का स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए समीकरण लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस में टू एक्स आप माइनस में आठ। अब एक्स के जगह पे हम लोग एक्स बराबर चार आया है ना, तो एक्स के जगह पे चार भरते हैं, तो यहाँ पे चार और इसका वर्ग कर देते हैं, माइनस में टू इंटू जो है एक्स का मान जो है चार आया है, तो चार और माइनस में जो है आठ कर देते हैं। माइनस जो है चार का वर्ग करेंगे तो चार चौका सोलह, माइनस में चार दूना आठ और माइनस में आठ है ही, ठीक है। तो अब इसको माइनस आठ जो है क्या हो जाएगा, सोलह रहेगा, माइनस में जो है सोलह हो गया, माइनस प्लस जो है जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। देखिए बिल्कुल जो है जीरो हो गया, तो हमारा शून्यांक जो है बिल्कुल जो है सत्य है, ठीक है। तो एक तो जो है हम लोगों को जो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, इसका मान इसमें भर दिया जाए जीरो आ गया, तकर मतलब जो है शून्यांक सही है, ठीक है। और इसका भी मान अगर भर दिया जाए इसमें, यह भी जाँच सही है, जाँच ये भी सत्य है, ऐसे भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। और जांच करने का एक और तरीका, चूँकि कह रहा है कि बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, शून्यांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, तो एक और जो है तरीका है, तो इस तरीके से हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिए, चूँकि हम लोगों को दो शून्यांक ज्ञात कर लिया गया, ठीक है, माना कि जो है एक शून्यांक क्या है अल्फा बराबर, माना इसमें एक शून्यांक अल्फा बराबर है चार और दूसरा शून्यांक बीटा बराबर जो है क्या है माइनस दो। ओके, अब हम लोग को जो है सत्यता की जांच भी करनी है कि ये जो हमारा शून्यांक आया है जो बिल्कुल सत्य है कि असत्य है, मतलब सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को जो है शून्यांक का मतलब ही हुआ कि इसमें मान रखने पर जीरो हो जाए, तो एक तो एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या हम लोग अपना सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है चूंकि शून्यांक हम लोग का निकला हुआ है, तो शून्यांकों का योगफल जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग जो है अपना मानक समीकरण क्या है, ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। अब इस मानक समीकरण से अगर इस समीकरण का तुलना करें, इस समीकरण का अगर हम लोग तुलना करें, तो ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स धन में सी, ठीक है। अगर तुलना करें तो देखिए ना, ए के जगह पे जो है यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी है, मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, मान लीजिए यहाँ पे एक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब एक है, तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कितना, एक, ठीक है। और तुलना कर रहे हैं तो आप बी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस में दो, बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस में दो, और सी बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस में आठ, ठीक है। ये जो है तुलना करने पर ये मान निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तुलना से,
तुलना से ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर हो गया -2 और सी बराबर हो गया 8। ठीक है, सी बराबर -8 आ रहा है। ठीक है, -8 हो गया। अब हम लोग जो है तुलना करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच, एक सूत्र होता है दोस्तों कि अल्फा मूलों का योगफल, मूलों का योग, मूलों का योग अर्थात अल्फा अधन बीटा बराबर होता है माइनस में बी अपान ए। ठीक है, और मूलों का योगफल से अब हम लोग देखिए दोस्तों, एक तो हम लोग का सूत्र हो गया माइनस में बी अपान ए, और एक हम लोग मूलों का योगफल, माने मूलों का योगफल हम लोग का अल्फा आधन बीटा करके देखते हैं, माने मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस में बी अपान ए। ठीक है, तो एक तरफ तो हम लोग जो है यहाँ से बी और ए का मान निकाल के, कहाँ से जब भाई ए और बी का मनवा निकाले हैं, एक तरफ इसको रखते हैं। ठीक है, माने सूत्र है तो सूत्र में रखते हैं, और एक तरफ डायरेक्ट जो है इसको जोड़ते हैं। तो एक तरफ अल्फा धन बीटा करते हैं, तो अल्फा का मान 4 है और धन में बीटा का मान जो है माइनस में 2 है। ठीक है, और इधर जो है माइनस बी का मान तुलना करके रखते हैं, तो माइनस बी का मान देखिए ना, इसीलिए माइनस बी का मान निकाला, मतलब बी का मान, अभी तो सूत्र में ऑलरेडी माइनस रहेगा ही रहेगा, अब बी का मान हम लोग भरते हैं तो बी का मान माइनस में जो है 2 हो जाएगा। ओके, और जो है ए का मान देखिए, तो ए का मान जो है क्या है, तो यहाँ पे ए का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं। ठीक है, दोनों पक्ष अगर बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग का जो भी शून्यंक है सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब 4 और प्लस में, तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। अब इधर देखिए, माइनस माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 और बटे 1 हो जाएगा होगा। अब जो है 4 में से 2 जाएगा, तो 2 अब बराबर 2, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसको समीकरण 1 कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो है मूलों का गुणनफल ज्ञात करके देखते हैं। तो मूलों का गुणनफल बराबर, मूलों का मतलब जांच ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है जांच कहाँ से करना है, जांच यहाँ से जो हम लोग लिखेंगे जांच। ठीक है, जांच हम लोग का जो है यहाँ से शुरू है। ठीक है, यहाँ से हम लोग जांच कर रहे हैं, तुलना से बी का मान निकालेंगे, मूलों का योगफल यानी कि मूल निकला हुआ है अल्फा और बीटा का मान। ठीक है, मैंने एक मूल अल्फा मान लिया गया है, दूसरा मूल बीटा मान लिया गया है। ठीक है, तो अल्फा धन बीटा बराबर जो है क्या होगा, ए अल्फा धन बीटा बराबर माइनस में जो है बी अपान ए सूत्र होता है, तो सूत्र में भी रख लेते हैं, आ इधर ऐसे भी कर लेते हैं, दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो इसका मतलब अब मूलों का जो है गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो मूलों का गुणन फल, तो मूलों का गुणनफल देखते हैं हम लोग का क्या आता है, तो मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी अपान ए होता है। अब मूलों का गुणनफल ऐसे इधर ज्ञात करते हैं, तो मूलों का गुणा कर लेते हैं, तो मूलों का गुणा जो है हम लोग का क्या आएगा, अल्फा का मान जो है कितना है 4 है, और गुणा बीटा का मान जो है माइनस में 2 है। ठीक है, अब बराबर इधर कर लेते हैं सी अपान ए, तो सी का मान हम लोग का माइनस में 8 है। ठीक है, और ए का मान जो है 1 है। ठीक है, अब 4 × 2 = 8, माइनस में 8 हो गया, इधर भी माइनस में 8 हो गया, ये हम लोगों का समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से जो है दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, मतलब सूत्र में भी रखने पर वही आ रहा है, और जो हम लोगों का क्या डायरेक्ट गुणा करने पर, इन दोनों का गुणनफल भी वही आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोगों का जो शून्यांक है वह सत्य है। ठीक है, तो यह जो है क्या होगा, सत्य होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः दोनों स्थितियों में अतः दोनों स्थितियों में सत्य है, संबंध सत्य है, अतः दोनों स्थितियों में संबंध संबंध सत्य है। माने देखिए दोस्तों, कहने का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे हैं ना, एक बार और ही समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम लोग को अगर मूलों का योगफल निकालना है ना, तो डायरेक्ट हम लोग इस समीकरण से भी मूलों का योगफल निकाल सकते हैं। सूत्र है कि मूलों का योगफल बराबर यानी कि अल्फा धन बीटा बराबर माइनस में बी अपान ए होता है। ठीक है,
तो अगर हम लोग को मान लीजिए हम लोग मूल नहीं ज्ञात किए हैं, डायरेक्ट हम लोग जो है क्या करते हैं, मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, तो ये सूत्र है कि मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस में बी अपान ए। अब हम लोग को माइनस में बी अपान ए का मान भरना है, तो माइनस ही रहेगा सूत्र में ऑलरेडी। अब बी का मान, तो बी का मान जो हम लोग यहाँ पे तुलना करेंगे अपने मानक समीकरण से, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर है, तो ए एक्स का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ए का मान होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक है, तो ए का मान जो है क्या हो जाएगा, ए का मान हम लोग एक लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है बी का मान देखते हैं, तो बी का मान यानी कि बी एक्स है, तो बी एक्स के जगह पे यहाँ पे तुलना करेंगे, एक्स का गुणांक जो भी होगा, तो माइनस में 2 है, तो यहाँ पे माइनस में 2 ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या आता है, तो 2 आता है, ठीक है, मैंने 2 आ जाएगा इसको जो है सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस में जो है 2 हो जाएगा, बटे में 1 बराबर 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मूलों का योगफल हम लोग डायरेक्ट देखे तो जो है क्या आया, मूलों का योगफल 2 आया, ठीक है। अब जो है हम लोग जो मूल निकाले हैं उसको जो है डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तो वो भी 2 आ रहा है, इसका मतलब सूत्र से भी वही आ रहा है और डायरेक्ट जोड़ने पर भी वही आ रहा है, इसका मतलब कि शून्यांक हम लोग जो निकाले हैं सत्य है, मैंने शून्यांक भी सूत्र में जो आ रहा है वही आ रहा है, मैंने शून्यांकों का योगफल डायरेक्ट करने पर भी 2 आ रहा है, आ इस सूत्र से भी निकालने पर 2 आ रहा है शून्यांकों का योगफल, इसीलिए जो है सत्य है, ठीक है। नहीं समझे, कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो ये शून्यांक ज्ञात किए हैं ना, तो इसको डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ने पर जो है 2 आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, और शून्य और इसका जो सूत्र होता है उस सूत्र से भी निकाल रहे हैं मूलों का योगफल, तो वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है क्या कि यह जो है हमारा समीकरण जो भी हम लोगों ने मूल निकाला है यह सत्य है, ठीक है। दूसरा समीकरण हम लोगों को दिया गया है 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, ठीक है। तो चूंकि हम लोग को शून्यांक ज्ञात करना है दोस्तों, और तो इसको जो है हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या 4s² माइनस में है ना, माइनस में 4s प्लस में 1 अब बराबर 0, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि शून्यांक ज्ञात करना है तो इस समीकरण को 0 के बराबर पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इससे पहले हम बाद में किए हैं 0 के बराबर, लेकिन अब हम लोग जो है पहले ही कर लेते हैं बराबर 0, ठीक है। अब इसको जो हम लोग मध्य पद बांट देंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है, गुणन खंड से, ठीक है, गुणनखंड से इसको मध्य पद को बांटते हैं, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे, पहले ही हम बताए हैं कि 1 का b में गुणा कर लेना है, तो 1 का b में a का c में गुणा करेंगे, तो 4 का 1 में गुणा करेंगे, तो 4 का 1 में गुणा तो क्या हो जाएगा, 4 4 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ें या घटाएं, तो क्या आ जाए, मैंने जोड़ घटाना करके, मैंने माइनस में 4 लाना है तो दोनों जोड़ों का जोड़ के जो है 4 आ जाए, मैंने तो 2 दूना 4 यानी कि 2, अगर 2 ले लिया जाए तो 2 दूना 4 2 दूना 4 गुणा करने पर 4 के बराबर हो जा रहा है, और जोड़ने पर -4 आए तो माइनस जो है 4 आ जाएगा, जोड़ने पर ही आएगा, ठीक है, मैंने घटा के भी ला सकते हैं जोड़ के भी ला सकते हैं, तो चूंकि -4 लाना है तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना जो है क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस का गुणा करने पर आराम से प्लस में जो है 4 भी आ जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि दोनों माइनस होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको बांट देते हैं, तो 4s² लिख सकते हैं, माइनस में 2x लिख देंगे या माइनस में 2x लिख देंगे, ठीक है, तो यस है, सॉरी यस है, तो यस लिखेंगे ना, यस, अब प्लस में जो है क्या लिख देंगे, 1, अब बराबर है 0 लिखते रहेंगे, ठीक है, यहाँ इंगित करता है, इम्प्लाई लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर हम लोग या इम्प्लाई जो है इसको लिख सकते हैं, अब या इसमें देखिए क्या कामा निकल सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ 2s है और यहाँ 4s है, तो आराम से 2s कामन निकल सकता है, ठीक है, 2s कामन निकल जाएगा, तो 2s से 4s² में भाग देंगे तो 2s बच जाएगा, है, और माइनस में 2s है तो खाली 1 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2s का 2s में भाग देंगे तो आराम से माइनस में 1 बचेगा, और यहाँ पे जो है क्या है, तो माइनस में जो है कामन लेना पड़ेगा हम लोगों को कितना, 1, ठीक है, क्योंकि 2s माइनस में 1 इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, और इसमें और कुछ कामन ले नहीं सकते हैं, 1 माइनस में ले सकते हैं कामन, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2s और माइनस में जो है 1, ठीक है, यस है, ठीक है, तो बराबर अब लिख सकते हैं 0, ओके। अब यहाँ पे जो है हम लोग इंगित करता है, अब 2s और -1 को एक साथ ले लेना है,
टू ईयर्स माइनस में वन एक साथ ले लेंगे, और इसमें से जो है कोई एक जो है एक साथ गुणा के रूप में ले लेंगे, तो टू ईयर्स माइनस में वन हो जाएगा। अब बराबर लिख देंगे 0। ओके, अब चूंकि इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना बराबर 0 ले लेंगे और इतना बराबर भी 0 ले लेंगे। तो टू ईयर्स माइनस में वन बराबर 0, या भाई दो अंक गुणा करने पर 0 आने का मतलब क्या हुआ, या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। तो या तो हम लोग लिख सकते हैं टू ईयर्स माइनस वन बराबर 0, ठीक है, दोनों में एक ही प्राप्त हो रहा है। तो टू ईयर्स माइनस में वन बराबर 0, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, मैंने अब एक को जैसे लाएंगे तो टू यस बराबर एक हो गया, तो यस बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ भी जो है, यहाँ भी हम लोग जो है टू यस बराबर लिख सकते हैं 1, तो यस बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि अभी गुणा है 2 का, यस में गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देख सकते हैं कि क्या अल्फा का मान और बीटा का मान निकल गया, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि, तो चूंकि का चूंकि चूंकि ऐसे रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो चूंकि अल्फा, इसको हम लोग जो अल्फा मान सकते हैं, इसको जो है इस मूल को अल्फा मान सकते हैं, तो अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं, ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो मानक समीकरण से अगर तुलना करें, ए एक्स का स्क्वायर अधन बी एक्स अधन में सी बराबर यहाँ पे 0, तो अगर तुलना करें तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ए के जगह मैंने एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो ए बराबर 4 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर 4, अब बी बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस में 4, माइनस में 4, और सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1। यहाँ पे देखिए बी एक्स का मतलब एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो यहाँ एक्स का गुणांक जो है 4 है, तो बी की जगह पे जो मतलब बी का मान क्या आएगा, माइनस में 4, और सी का मान यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 आ जाएगा। मतलब तुलना करने का मतलब यह हुआ, ठीक है। तो तुलना करके हमने जो है ए बी सी का मान निकाल लिया, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो जांच करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में हम लोग देखते हैं कि जो है शून्यांकों का योगफल क्या आता है और सूत्र से क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए शून्यांकों का योगफल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा अधन बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा अधन बीटा बराबर इधर जो है सूत्र में रखेंगे बी अपान ए करके, ठीक है। तो माइनस में बी अपान ए करके रख देते हैं। तो देखिए अब दोनों को डायरेक्ट अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो अल्फा का मान जो है 4 है, और बीटा का मान जो है क्या है, माइनस में 4 है, बीटा का मान माइनस में 4 है, ठीक है। अब यहाँ जो सूत्र में रखते हैं तो माइनस में बी अपान ए रखते हैं, तो माइनस तो रहेगा यार ऑलरेडी, अब बी का मान जो है माइनस में 4 है, तो 4 रखेंगे अपान ए, तो ए का मान यानी कि जो है ए का मान भी 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान जो है क्या होगा, 4, तो यहाँ पे ए का मान 4, ठीक है। अल्फा धन बीटा, तो दोनों का मान जो है, सॉरी, अल्फा धन बीटा का मतलब हुआ ये ना है अल्फा धन बीटा, तो 1/2, 1/2 अधन 1/2, ये अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1/2 है, हम यह ले लिए हैं, सॉरी, ठीक है, 1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट रख रहे हैं, देखिए अब थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, दोनों तरफ बराबर नहीं आता। अब यहाँ पे देखिए अब चूंकि यहाँ पे आई -4 है, तो यहाँ पे -4 रखेंगे ना, अभी तो ऑलरेडी सूत्र में पहले से माइनस है, और बी का मनवा जो है माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 रखेंगे यहाँ पे, हैं। अब 1/2 धन 1/2, 2/2 हो गया, जोड़ेंगे तो आई जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4 और बटे में 4, अब 2 से 2 कैंसिल 1 हो गया, आई 4 से 4 कैंसिल 1 हो गया, तो दोनों पक्ष जो है क्या आया, बराबर आया। एकर मतलब क्या है कि गुणनखंड हम लोगों का सत्य है, जो भी हम लोग शून्यांक निकाले हैं ये सत्य है। अब
इसी तरह से चूंकि शून्यांकों का योगफल भी निकाल सकते हैं और शून्यांकों का गुणनफल भी निकालते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल दो गो सूत्र होता है। तो शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल इधर सी अपान ए होता है, ये सूत्र है, और इधर हम लोग डायरेक्ट जो है इसका गुणा करते हैं। तो अल्फा का मान 1/2 है और गुणा बीटा का मान भी 1/2 है। आ इधर देखते हैं तो सी का मान जो है क्या है, तो 1 है, और ए का मान जो है क्या है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का गुणा करने पर 1/2 गुणा 1/2, तो 1/4 हो गया, और इधर भी 1/4 है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। 1 और 2 से देखा जाए तो दोनों पक्षों का, यानी कि तो दोनों पक्षों का एक समान आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि लिख सकते हैं, अतः दोनों दोनों का मतलब 1 और समीकरण 2 से पता क्या चला, से पता चलता है कि दोनों 1 और 2 से जो है से संबंध सत्य है। संबंध क्या है, सत्य है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग सबका जो है निकाल के और जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसका तीसरा देखा जाए तो समय का अभाव हो रहा है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं, इसका तीसरा भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा देखना है। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा देख लेते हैं, बहुत जल्दी करते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, इसको जो है सबसे पहले मानक समीकरण के रूप में लाना होगा। देखिए यहाँ 7x यहाँ पे दिया है, जबकि जो है सी लास्ट में होना चाहिए, तो इसको हम लोग या करके लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर और माइनस में 7x और माइनस में 3। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब ये हम लोग के मानक समीकरण के रूप में हो गया। ठीक है, अब मानक समीकरण के रूप में हो गया, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, गुणनखंड से इसका जो है गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, और शून्यांक ज्ञात करना है तो डायरेक्ट जो है इसको शून्य के बराबर भी रख देते हैं। तो 6x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर 0 लिख देते हैं पहले ही। ओके, अब इसको जो है 0 लिख देते हैं। अब इसके बाद से जो है क्या करते हैं, मध्य पद को बांट देते हैं, तो 6 गुणा 3 क्या होगा, 18 हो जाएगा, 36 18। अब 18 को 2 से भाग में बांटिए कि जोड़ घटाना करने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए, तो 9 2 18 और 9 में से 2 हटा दिया जाएगा, आराम से 7 आ जाएगा। तो सब मिला के 2 और 9 ले लेना है, और माइनस में 7 चाहिए तो माइनस वाला चिन्ह अधिका ले लीजिए, प्लस वाला कम ले लीजिए, तो 9 2 18 हो जाएगा माइनस में, है आराम से जो है 9 में से 2 घट जाएगा, 7 हो जाएगा। है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 6x का स्क्वायर माइनस में जो है क्या लिख सकते हैं, प्लस में लिखिए, छोटा वाला अंक पहले लिखिए, तो 2x जो है पहले लिख दीजिए, और माइनस में बड़ा वाला अंक जो है बाद में लिख दीजिए, माइनस में 3 बराबर 0 कर दीजिए। ओके, ये जो है चीज़ आप लोग को नहीं दिखाना है, ये आप लोग को समझाने के लिए है बस। ठीक है, ये वाला चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब कामन ले लेना है, तो क्या कामन निकल सकता है, 2x आराम से कामन निकल सकता है, तो 2x कामन ले लेना है, अब 2 3 6 यानी कि 3x बच जाएगा, प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कामन ले सकते हैं हम लोग, जो है 3 कामन ले सकते हैं, तो 3 केवल कामन ले लीजिए माइनस में, तो 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, नहीं यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है तो कोष्ट जब बंद करेंगे ना, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का जो है भाग होगा ना, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर लिख देंगे 0, -3 का -3 से भाग देंगे तो जो प्लस में 1 ना आएगा। ठीक है, तो प्लस में 1 हो गया। अब जो है क्या करना है, 2x और माइनस में 3 एक ब्रैकेट में ले लेना है, तो 2x और माइनस में 3 एक ब्रैकेट में हो गया। यहाँ सब भाई इम्प्लाई लगाते जाइएगा, ठीक है ना, ये इम्प्लाई लगाते जाइएगा। अब 2x माइनस में 3 और ये जो है क्या हो जाएगा, इसमें से ये वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब जो है शून्यांक निकालने के लिए जो है क्या करेंगे, चूंकि इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो 2x माइनस में 3 बराबर 0 लिख सकते हैं, और 3x प्लस में 1 बराबर भी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है देखिए, 2x माइनस में 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 2x बराबर हो जाएगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। यहाँ पे देखिए, 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3 हो जाएगा। ओके, अब जो है हम लोग को अल्फा और बीटा का मान निकल गया, तो जो है मूलों का योगफल देख लेते हैं, सूत्र से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मूल हम लोग का निकल गया, अल्फा बराबर कितना, 3/2, और बीटा बराबर निकल गया माइनस में 1/3।
तीन, ठीक है, माइनस में 1/3 निकल गया, निकल गया। अब जो है ए और बी का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लोग मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मानक समीकरण से अगर हम लोग तुलना करें तो ए एक्स का स्क्वायर धन में बी एक्स धन में सी बराबर 0 ले लिया जाए, तो ए के जगह पे 6 है, बी के जगह पे -7 है, सी के जगह पे जो है क्या है, माइनस में 3 है। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ए के जगह पे 6 और बी बराबर जो है माइनस में 7, और सी बराबर जो है क्या ले सकते हैं हम लोग, सी बराबर ले सकते हैं माइनस में 3। ओके, अब जो है देखिए क्या होगा, अब जो है मूलों का योगफल, और जो है सूत्र से इसको रख लेते हैं, तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा धन बीटा बराबर देख लेते हैं क्या होता है। तो अल्फा धन बीटा बराबर जो है क्या होता है, माइनस में बी अपान ए होता है। तो अल्फा धन बीटा का मान देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, अल्फा धन बीटा तो 3/2, और धन में जो है क्या हो जाएगा, माइनस में 1/3, माइनस में 1/3 हो गया। और इधर रखते हैं माइनस में जो है बी का मान जो रखते हैं, तो माइनस में जो है हो जाएगा 7, और बट्टे में जो है ए का मान जो है क्या है, 6 है, ठीक है। हाँ, तो अब जो है इसको क्या करेंगे, इसको जो है अगर 2 और 3 का लसन लेते हैं तो 6 हो जाएगा। अब 2 3 6, 2 3 6 तो 3 3 9 हो जाएगा। आ देखिए प्लस माइनस, माइनस में चिन्ह ले लेंगे, और 3 2 6 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर जो इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस जो है प्लस हो जाएगा 7, अब बट्टे में 6। इधर भी देखते हैं 7/6 आता है, क्योंकि तो 9 में से 2 घट जाएगा, 7 अब बट्टे में 6, दोनों पक्ष बराबर हो गया, यानी कि हम लोग का शून्यांक 100% सही है। इसको समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। और जो है गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और इधर सी अपान ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो 3/2 गुणे जो है क्या है, माइनस में 1/ क्या है, 3, माइनस में 1/3। इधर सी अपान ए रखते हैं, तो सी का मान माइनस में 3 है, और ए का मान जो है क्या है, तो जो है 6 है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, तो इसको जो हम लोग गुणा कर देंगे, तो माइनस में जो है माने 3 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 अब -3 × 6, तो -3/6 इधर भी आ गया, -3/6 इधर भी आ गया। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 दोनों जो है क्या है, सत्यता की जांच का एकदम कन्फर्म जो है सत्यता सही है, माने संबंध सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 और 2 से संबंध सत्य है, संबंध क्या है, सत्य है, ठीक है। अब हम लोग जो है ये चौथा चौथा देख लेते हैं, और चौथे की तरह से जो है ये भी है, चौथा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4u² धन में 8u है ना, सी जो है समझ लीजिए कि 0 है, सी क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसका अगर हम लोग गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है, चूंकि सी इसमें गायब है, 2 ही पद है, तो इसको हम लोग जो है आराम से क्या कर सकते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 4u² धन में 4 8u है, 8u है बराबर लिख सकते हैं 0, ठीक है। अब देखिए, चूंकि 3 ही पद है, नहीं 2 ही पद है, तो इसमें कामन लेना पड़ेगा, तो देखिए 4u आराम से कामन निकल सकता है, तो 4 u कामन ले लिया जाए, तो u आ प्लस में 4 2 8 यानी कि 2 बच जाएगा, बच जाएगा, तो 2 गो गुणनखंड प्राप्त हो गया नु, अब बराबर है 0 के, ठीक है। तो हम लोग 4u = 0 लिख सकते हैं, या जो है u+2 = 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, इन दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो चीज़ों का गुणा करने पर 0 आए, तो या तो यह 0 हो सकता है, या तो यह 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं, तभी ना होगा। तो इसीलिए दोनों है, इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं, तभी मान प्राप्त होगा। तो 4u = 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0/4, 4 0 या 0, यानी कि क्या हो जाएगा, u का मान 0। यहाँ पे देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर -2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखें तो अल्फा धन अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान जो है क्या है, तो अल्फा 0 और बीटा का मान जो है -2 हो जाएगा, ठीक है। मूलों का योग करके देख लेते हैं, मूलों का योग करते हैं, तो मूलों का योग अगर हम लोग करें तो अल्फा धन जाँच है जा जाँच अब जांच कर लेते हैं, तो जांच में अल्फा धन बीटा करना है, तो अल्फा धन बीटा बराबर देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अल्फा धन बीटा सूत्र होता है सी अपान ए माइनस में बी अपान ए होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखते हैं भाई, समय का अभाव है, तो 0 और बीटा का मान जो है -2 है,
तो माइनस टू ले लेते हैं, इधर माइनस में बी। अब देखिए इसका अगर हम लोग तुलना करें अपने मानक समीकरण से, तो ए एक्स का स्क्वायर अधन बी एक्स अधन में सी, सी का मान 0 आ रहा है, ठीक है, और ए का मान 4 और बी का मान 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस अभी का मान जो है 8 रख देना है, ठीक है, अब बटे में ए का मान जो है क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 रख देना है। अब यहाँ पे देखिए तो 0 और प्लस में माइनस 2 का मतलब माइनस 2 हो गया, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है 4 × 2 = 8, तो माइनस में 2 हो गया, दोनों पक्ष बराबर है, सत्य है। अब जो है गुणा करके देख लेते हैं मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पे सी अपन ए करके देख लेते हैं, तो मूलों का गुणनफल यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल 0 अल्फा का मान है, बीटा का मान जो है माइनस में 2 है, और इधर जो है सी अपन 0, सी का मान 0 है, और बटे में ए का मान जो है क्या है, तो ए का मान 4 है, तो 4 से 0 में भाग देंगे तो 4 0 हुआ होगा, और यहाँ पे इसका इसका गुणा करेंगे तो 0 होगा, इसका जो है 0 होगा, दोनों पक्ष बराबर है, समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि क्या है, सत्य है। तो इसको भी जो हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को जो है 5वां दिया, समय का अभाव है, इसलिए जो है आप लोग समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट यह है कि जो है दुगुमूल ज्ञात करना है, यानी कि एक्स वाई, अगर एक्स वाई में समीकरण है तो एक्स सॉरी द्विघात समीकरण है तो एक्स का दुगुमूल ज्ञात कर लेना है गुणनखंड करके, कंसेप्ट इसका यही कहता है कि दुगो मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करने के बाद से एक तरफ मुँह जवानी है जोड़ लेना है, एक तरफ है सूत्र में रख के जो है देख लेना है, मुँह जवानी जोड़ने पर उतने आ रहा है, सूत्र में रखने पर उतने आ रहा है, अगर मतलब कि क्या है, सत्य है मूल हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी का स्क्वायर माइनस में जो है 15 है, ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस में 15 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इंगित करता है कि टी स्क्वायर चूँकि सत्यता की जाँच करना है, चूँकि मूल हम लोग को जो है इसका क्या निकालना है, टी का मान निकालना है, तो इसलिए इतना बराबर 0 लिख देंगे। अब जो है टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 को इधर लाएंगे तो 15 को, तो प्लस में 15 हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो सकता है जो है प्लस माइनस में अंडर रूट 15 हो जाएगा, टी बराबर टी का मनवा, ठीक है, तो टी का मनवा जो है प्लस माइनस में इतना हो गया। अब हम लोग इसको जो प्लस माइनस में है तो अल्फा बराबर हम लोग धनात्मक मूल्य ले सकते हैं, तो प्लस माइनस में है, यानी कि वो प्लस में वो माइनस में है, तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 हो जाएगा, अल्फा बीटा का मान जो है क्या हो जाएगा माइनस में जो है अंडर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है, मैंने दुगो मूल होगा इसका, तो एगो प्लस में जो है 15 हो जाएगा अंडर रूट में, मैंने ऐसा जब वर्ग को इधर लाते हैं तो प्लस माइनस में जो है होता है, और जो भी संख्या होती है वो रूट में आ जाता है, ठीक है, ये नियम है मैथ का। तो अल्फा का मान जो है क्या हो गया अंडर रूट में 15, अल्फा का मान अंडर रूट में 15 और बीटा का मान जो है माइनस में 15। अब मूलों का योगफल कर लीजिए, तो माइनस जो है मूलों का योगफल करते हैं, तो मूलों का योगफल जांच में, ठीक है, तो जांच में मूलों का योगफल कीजिए, और जो है यहाँ पे जो है सी अपन बी अपन ए हो जाएगा, ये करके देख लीजिए, तो मूलों का योगफल करते हैं, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये सही 0 हो गया, माइनस में बी का मान, ये जब देखिए ये सी दिया हुआ है, मैंने ए एक्स का स्क्वायर तुलना किया जाए, तो एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स अधन में सी, तो सी का दिया हुआ है, ठीक है, और बी एक्स जो है 0 है, यानी कि बी का मान 0 है, तो यह 0 रखेंगे या बटे ए करेंगे, ए का मान जो है कौन सी है 1 है, तो 1 से 0 में भाग देंगे तो ये हो जाए 0 हो जाएगा, दोनों पक्ष 0 आ रहा है, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से भी पता चल रहा है कि 0 हो जाएगा, और गुणा करने पर देख लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल, तो अल्फा का मान जो है अंडर रूट 15 है, और बीटा का मान अंडर रूट में जो है 15 है, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो जो प्लस माइनस का माइनस में जो अंडर रूट में जो है क्या आ जाएगा, माइनस में जो है अंडर रूट 15 का 15 माइनस में है, आई प्लस में है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में जो 15 अंडर रूट में 15 × 15 आ जाएगा, आएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सी अपान ही होता है मूलों का गुणनफल, तो सी का मान जो है कितना है, तो सी का मान जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 15 है माइनस में, ठीक है। अब इधर देखिए माइनस में जो है क्या हो गया 15 × 15, तो 15 × 15 का मतलब माइनस में जो है 15 बाहर हो जाएगा, जब रूट में जोड़ा लग जाता है तो संख्या बाहर हो जाता है, और यहाँ पे देखिए तो माइनस में जो है 15, सी का मान 15 है माइनस में, ठीक है, माइनस में 15 है, यहाँ पे देखिए ना भाई सी की जगह पे, भाई सी क्या होता है हमेशा जो है क्या होता है नंबर होता है, तो नंबर सी है माइनस में 15, अभी यक्स यक्स के साथ यक्स का गुणांक नहीं है कुछ, यक्स सही है नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 है, ठीक है, तो माइनस में 15 और ए का मान जो है क्या है तो 1 है, तो ये भी जो है क्या होगा दोनों पक्ष बराबर होगा, 15 बराबर माइनस में 15, तो यह भी जो है सत्य है सब मिला के, ठीक है। तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे कि इसको जो है कैसे करना है, अगर समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप कुछ कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।